आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि शास्त्रों के अनुसार किसी का झूठा भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। एक खाना था खाना खाते समय यदि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो स्वास्थ्य लाभ के साथ ही देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त की जा सकती है। हिंदू धर्म में भोजन को केवल खाद्य पदार्थ नहीं मानकर पूजनीय भी माना गया है। अन्न अर्थात अनाज को देवता का दर्जा दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार किसी का झूठा भोजन करने से आप किसी का दुर्भाग्य अपने नाम कर लेते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किसी का झूठा भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। परिवार में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो घर के बड़े बुजुर्ग अपने अनुभवों के आधार पर उसे कुछ उपयोगी परंपराओं से अवगत कराते हैं जो संस्कारों के रूप में जीवन भर उसके साथ रहते हैं। आजकल लेकर परिवारों का चलन जोरों पर है तो बच्चों को जो परवरिश मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है, जिससे कि जीवन बहुत सारी परेशानियां व्यक्ति के जीवन के घर में ऑटोमेटिक आ जाती है। भोजन करते समय टीवी देखना, संगीत सुनना अथवा बातचीत करना निषेध बताया गया है। शास्त्रों में किसी का झूठा भोजन खाने पर बड़ा ही प्रतिबंध है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि किसी का झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, लेकिन किसी का झूठा भोजन कर आप किसी का दुर्भाग्य अपने नाम कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की कुंडली का दूसरा भाव जुबान वाणी वाणी सुख जो होता है वाणी सुख कलत्र धन की बचत और जीवन में मिलने वाले सुखों को संबोधित करता है। अगर दूसरे भाव में व्यक्ति की वाणी और भाषा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो भाषा में कर्कशता का भाव आ जाता है और भी बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ते हैं। यदि हम किसी का झूठा खाते हैं तो हमारे जीवन पर कई तरह के बुरे प्रभाव पड़ते हैं, जैसे सुखों में कमी आती है, घर परिवार में कलह बढ़ती है और भोग विलासता में कमी आती है। इतना ही नहीं, हम जिसका झूठा खाते हैं उसके अशुद्ध विचार हमारे मन में घर कर जाते हैं। सबसे बुरा असर हमारे धन पर होता है। किसी का झूठा खाने से धन संचय नहीं हो पाता है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।